मालती कहो। कुछ नहीं यशोदा बहन, बस चली आए कान्हा को देखने। हाँ हाँ, देखो ना, वो खेल रहा है पालने में। बस तनिक सी चिंता लगी थी। अरे रे रे रे, कैसा निहार रहा है, किसी की हाय ना लगे मेरे लल्ला को। आहा, ले 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 ले, मेरा बच्चा। यशोदा बहन, यदि तुम्हें आपत्ति ना हो तो तनिक इसे घर ले जाओ। अरे अरे सुन तो। बस अभी गई और अभी आई। देखो तो कैसा करती है। चिंता ना करो, अभी ले आएगी। अब मैं क्या करूं? मैया की और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी। यहाँ वन में अकेला पड़ा हूँ, कहीं कोई पशु। भाई, हाँ? लगता है कोई गोपी आ रही है। मुझे ऐसे बंधा हुआ देखेगी तो क्या कहेगी? मेरे तो वस्त्र भी धूल से सने हैं। अरे वो देख वहाँ, ये तो कोई बालक दिखता है। कमला चल देखे। अरे ये तो हमारा कान्हा है। कान्हा? गोकुल के मुखिया नंद बाबा का पुत्र कान्हा? ये कमला के साथ कौन है? तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें उगल से किसने बांधा? इतने सारे प्रश्नों का उत्तर एक साथ कैसे दे सकता हूँ? अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम्हें उगल से किसने बांधा? मैया ने। क्यों? क्यों बांधा मैया ने? क्योंकि मैंने माखन की मटकी फोड़ दी थी और मैंने माखन बंदरों को खिला दिया था। मैया जब पूजा करती है भगवान की तब घंटी बजाती है, वैसे ही लग रहा है ये राधा के हंसने से। अच्छा, यहाँ वन में अकेले तुम्हें भय नहीं लग रहा है? कहीं से पता तो नहीं लग गया कि मुझे भय लग रहा था। अरे नहीं, हमारे कान्हा को किसी से भय नहीं लगता, है ना कन्हैया? हाँ, मुझे क्यों भय लगेगा, मैं क्या छोटा बालक हूँ? अच्छा मैं जाकर यशोदा मैया को सूचित करती हूँ। राधा तुम यहीं रुको, इसका ध्यान रखना। अच्छा कान्हा, तुम तो बड़ा उपद्रव किया करते हो। गोपियों का माखन चुरा लेते हो, उनकी मटकी फोड़ देते हो। तुम्हें किसने बताया कि मैं माखन चुरा लेता हूँ? कमला ने। अच्छा, इस कमला की तो मैं एक दिन चुटिया काट लूंगा, तब मानेगी। तो ये सच है ना? हाँ, तो क्या हुआ? परंतु यदि तुम गोकुल में रहोगी तो तुम्हारी मटकी नहीं फोड़ूंगा, न तुम्हारा माखन चुराऊंगा। सच ही तो कहते हैं इसे मनमोहना, खड़ी भर में ही मन मोह लिया। लगता है तुम्हारी मैया आ रही है, मैं जाती हूँ। और हाँ कान्हा, मैं गोकुल में नहीं रह सकती, मैं वृंदावन जा रही हूँ। अच्छा तो मैं ही वृंदावन आ जाऊंगा।